हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव के लिए चिन्हित किए मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। लक्सर में बनाए गए मतगणना स्थल केवी इंटर कॉलेज में उन्होंने सबसे पहले सभी मतगणना रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद आरओ रूम, कंट्रोल रूम और मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मतगणना स्थल पर पीने के पानी और शौचालयों का निरीक्षण भी किया और सभी अधीनस्थ अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं दुरुस्त करा लेने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बॉक्स के जो स्ट्रॉन्ग रूम हैं और जहाँ पे हमारा पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच और रिसेप्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे मतगणना 28 तारीख को कंडक्ट की जाएगी, वहाँ पे मैं सभी स्थलों का निरीक्षण कर रहा हूँ। और अभी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी काउंटिंग टीम रहेगी, जो भी हमारे पोलिंग स्टाफ रहेंगे, उनको अच्छे से पौष्टिक भोजन भी मिले। और यहाँ पे जो भी हमारे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, इतने सारे अभ्यर्थी जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था सबको दे पाएँ ताकि जो भी पूरा हमारा पोलिंग और काउंटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके। चुनावों की मतगणना की तैयारी के लिए यहाँ पर किसान इंटर कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। उसको देखने के लिए यहाँ पर समस्त विभाग यहाँ पर पहुँचे हैं, ब्लॉक से आए हैं, पीडब्ल्यूडी से आए हैं और अभी सीडीओ साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए सभी विभाग के लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और तैयारियाँ लगभग फाइनलाइज स्टेज में है। और इसके अतिरिक्त कहाँ पे बसों की पार्किंग होगी और कहाँ पे मतदान कार्मिकों का बैठने का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं और सारी व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट और उनका वापसी आगमन यहीं से किसान इंटर कॉलेज से होना है। तो समस्त व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टियों के मूवमेंट से लेकर के मतगणना तक यहाँ पर होने, वही व्यवस्थाएँ देख रहे हैं और लगभग सारा कार्य पूर्ण होने जा रहा है।